जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। कर्फ्यू के चलते दोस्तों यह वीडियो मैं छत पे बना रहा हूँ। पीछे नेशनल हाईवे NH-8 है। तो दोस्तों अगली कड़ी में हम बात करें, दसवीं तिथि तक का मैंने आपको भोग बता दिया है। माँ जगदम्बा को क्या भोग लगाया जाए जिससे हमको जो भी परेशानी आ रही हो, जो भी हमारी मनोकामना हो, वो पूर्ण हो जाए। आज के क्रम में हम बात करेंगे एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि के अंदर हम बात करें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को माँ जगदम्बा को यदि दधि मतलब दही का भोग लगाया जाए और दही का ही ब्राह्मण को दान किया जाए तो माता जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों दही ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, आप भोग लगा सकते हैं माँ जगदम्बा को और उनकी परम प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आपको दधि का भोग लगाना है। और अभी आप सभी जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं, माँ जगदम्बा की सेवा जोरों पर है। अधिकांशतः लोग पूजा कर रहे होंगे, तो अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, एकादशी तिथि वाले दिन आप लगाइए। दोस्तों यदि आप वीडियो सुनते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको शास्त्रों से जुड़ी जानकारी मिल सके, प्राप्त हो सके। और कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं, जो भी आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं जो शास्त्रों से मैंने पढ़ा है, जो ज्ञान मिला है, सके तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा। दोस्तों इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूं, फिर हाजिर होऊंगा, द्वादशी तिथि के भोग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।